नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। लखनऊ में पारा के अंतर्गत मर्दन खेड़ा ग्राम में अधेड़ उम्र की महिला की घर के अंदर लाश मिली है। वहीं महिला के पति की कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी है। मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारी, डीसीपी, एसीपी और थाना प्रभारी ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये मर्दन खेड़ा मोहल्ला थाना पारा में जी आज सुबह ज्ञात हुआ है कि एक महिला जिसकी उम्र लगभग 55 साल है, चंद्रावती यादव, उनकी मौत हो गई है। और जब उनके परिवार के एक आदमी आए वहाँ पर देखने के लिए तो उन्होंने देखा। अभी तक जो हम लोग प्रथम दृष्टया इसमें पा रहे हैं उनको कोई इस तरह का जाहिरा अभी तक गंभीर चोट नहीं दिखा, लेकिन थोड़े चोट हैं, उसका पंजाना भर के पोस्टमार्टम में भेजा जाएगा और डेथ कैसे हुई इसकी हम लोग तहकीकात करेंगे। खबर संभल से, जहां संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर सीएमओ तरन्नुम जहां खराटे लेती दिखी और डीएम के बराबर में बैठकर सोती रही और ये पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार, आप एमपी संजय सिंह का जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि मोदी आप जाकर ड्रामा क्यों कर रहे हैं, देश देख रहा है। सीबीआई आतंकवादियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर नहीं करती, लाखों करोड़ रुपये लूटने वालों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी नहीं करती, लेकिन शिक्षा विभाग को और दुरुस्त करने वालों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होती है। मैं इस वक्त हिंडन नदी के घाट पे सफाई अभियान में था और मुझे पता चला कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दी गई। मनीष सिसोदिया देश और दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल जी के शिक्षा मॉडल को, मनीष सिसोदिया के शिक्षा मॉडल को पूरी दुनिया में लोकप्रियता मिल रही है। ऐसे आदमी को लुकआउट नोटिस, जिनके घर पे 14 घंटे सीबीआई जांच करती है, कुछ नहीं मिलता। अयोध्या में फिल्मी सितारों की रामलीला का आगाज 25 सितंबर को होने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन लक्ष्मण किला के लक्ष्मण लीला मैदान में पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ। साथ ही यह भूमि पूजन अयोध्या की रामलीला के अध्यक्ष लक्ष्मण किला के महंत और बीजेपी के नगर विधायक से ने संपन्न किया। दरअसल 25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक रामनगरी अयोध्या में फिल्मी सितारों से सजी रामलीला शुरू होनी है, जिसको लेकर कई बार ऐतिहासिक रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसमें फिल्मी जगत की कई नामचीन हस्तियां रामलीला के पात्रों पर अभिनय करेंगी। और माननीय विधायक जी, हमारे महाराज लक्ष्मण किलाधीश और राम की भूमिका निभा रहे राम, राहुल गुच्चर, दीक्षा रैना माता सीता की भूमिका निभा रही हैं और गणमान्य व्यक्ति हमारे मौजूद थे। अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है और इस बार परशुराम की भूमिका मनोज तिवारी, केवट की भूमिका रवि किशन और गुही पेंटल जी जो मामा शकुनी का रोल निभाते थे वह नारद मुनि की भूमिका। औरैया में एक दिन पहले यमुना नदी का पानी उफान पर था, जिसके चलते यमुना नदी के किनारे बसे गांव के मुख्य रास्ते भी बंद हो गए थे, लेकिन आज यमुना का जलस्तर जैसे ही कम हुआ तो यमुना नदी में दो अज्ञात शव उतराते मिले। इसके बाद लोगों ने अज्ञात शव की सूचना पुलिस को दे दी। वहीं मौके पर पहुंचे डिप्टी एसपी ने शव को गोताखोरों की मदद से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस शव की शिनाख्त में जुट गई है। राजीवमल क्षेत्र के सिगरोड़ी जो जमुना नदी की नदी है, नदी के किनारे जो है एक अज्ञात शव कहीं से बहकर आया हुआ है। खबर गोरखपुर से, जहां के बाल सुधार गृह में बाल कर्मचारी मोबाइल यूज़ करते मिले। इसी दौरान जहां 3 मोबाइल फ़ोन, 2 चार्जर और 5 ईयरफोन, 1 मोबाइल की बैटरी और गुटखा मिला। अचानक बाल सुधार गृह में पड़े इस छापे से जहां लोग कर्मचारियों के
कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। दोनों अधिकारियों ने यहाँ एक एक कमरे में रह रहे बाल कर्मचारियों की तलाशी ली और अधिकारियों ने बाल सुधार गृह के अधीक्षक को इसके लिए वार्निंग भी दी। एडीएम सिटी साहब एवं मेरे द्वारा बाल संरक्षण गृह में औचक निरीक्षण किया गया एवं सूचना प्राप्त होने पर एक विभिन्न कमरों में छापेमारी की गई। उस छापेमारी के बाद में तीन मोबाइल जिसमें दो छोटे छोटे बहुत ही मिनिएचर वर्जन के मोबाइल जिनको कहीं भी छुपाया जा सकता है और अन्य आपत्तिजनक सामग्री को बरामद किया गया है एवं ये सामग्री प्राप्त होने के बाद में यहाँ का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए माननीय जिला जज महोदय द्वारा अग्रतर कार्रवाई। देवरिया जिला कारागार में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला कारागार के बंदियों के साथ स्टाफ की भी स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें जरूरी स्वास्थ्य परामर्श देने के बाद दवाइयां भी वितरित की गईं। साथ ही डॉक्टरों द्वारा मौसम बदलने को देखते हुए कैदियों को सलाह परामर्श भी दिया गया। और ये सही है, हमने अपनी किसी के पास जिसकी दवा भी हमें जिंदगी में किसी के पास समय नहीं है, लेकिन ये भी सही आपको है दवा पूरी मिल गई है। जिस इंसान के अंदर संतुष्ट है आप दूसरे की पीड़ा को अपना पीड़ा नहीं समझता हो वो इंसान नहीं है। अगर दूसरे की पीड़ा को वो अपना पीड़ा समझता है तभी वो इंसान है, सिर्फ अपनी पीड़ा को पीड़ा न समझाए। क्या परेशानी है आपको? आज दिक्कत है, थोड़ा पानी गिरा है, जैसे नंबर नहीं हुआ है, इधर उधर हुआ है। आपने डॉक्टर को दिखा दिया? अभी दिखाया नहीं। क्या डॉक्टर साहब का कहना है? निरुद्ध है लोगों के स्वास्थ्य। बुलंदशहर के सयाना कोतवाली क्षेत्र के गांव बिखौना निवासी ने अपने बेटे छोटे भाई की पत्नी का सिर पर डंडा मारकर घायल करने का आरोप लगाया है। जहां गांव के निवासी विनोद ने बताया कि उसने अपनी ही एक बकरी किसी को चराने के लिए दी थी, जिसके विरोध में छोटे भाई की पत्नी ने युवक के सर पर डंडा मार दिया। आया था मैं अपनी बकरी के चक्कर में मेरे सर में डंडा मारा। अच्छा, किसने मारा? छोटी बहू ने। क्या नाम था? सोनम। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, डंडा मार को भाग के सर बाहर को। कौन लोग, कितने लोग थे? अकेले, झूठ नहीं बोलना बेकार से किसी को, अकेले थे। कन्नौज में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व शिवपाल के पुत्र आदित्य यादव ने लखनऊ जाते वक्त ठटिया कट पर मीडिया के सवालों का जवाब दिया। इसके बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से लखनऊ रवाना हो गए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले भी पार्टी ने गरीबों के हक में आवाज़ उठाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे लोग, हमारे समाज के लोग जिनकी अनदेखी की जा रही है, इन उनके लिए हम लोग लड़ने का काम करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी कार्यकाल में कई ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई में काबिले तारीफ है, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं समझता हूँ पूरी तरीके से नकारा जा सकता है। तो इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने कुछ नहीं किया, किया है, लेकिन जिस तरीके से, अच्छा अब आप ही देख लीजिए, जिस तरीके से बुलडोज़र की राजनीति हो रही है, जिस तरीके से लोगों के ऊपर नाजायज़ तरीके से, जब तक कोर्ट में केस है उसके बावजूद जजमेंट ना आने से पहले उनकी संपत्ति को इस तरीके से उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एक व्यक्ति के ऊपर अगर आरोप लगा है तो आप उसके पूरे परिवार को सजा नहीं दे सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं समझता हूं हम लोगों को देखने की जरूरत। खबर गाजियाबाद से, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप और राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने सात जल निगम के गेस्ट हाउस पहुँचे। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से बात करते हुए केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करी और सांसद अनिल अग्रवाल से प्रेस वार्ता में बताया कि 10,000 महिला समूह को संचालित करने की योजना जल्दी ही चालू किया जाएगा और अमृत सरोवर योजना की तैयारी पूरे प्रदेश में की जाएगी। मैं आप सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत करता हूं। थोड़ा विलम्ब हुआ है क्योंकि लखनऊ से ही निकलने में देरी हो गई थी। आज बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी की प्रथम पुण्यतिथि और प्रथम पुण्यतिथि पर आज उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान लखनऊ में इसकी शुरुआत हुई है और आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री
राजस्थान के पूर्व राज्यपाल बाबूजी कल्याण सिंह जी की एक बहुत ही विशाल प्रतिमा भी, कैंसर संस्थान का नामकरण भी बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम से है, वहीं पर एक प्रतिमा की भी स्थापना की गई है। मथुरा के वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में जिला अधिकारी हादसे की जांच करने पहुंचे थे, तभी उत्पाती बंदरों ने जिला अधिकारी की आंख का चश्मा छीन लिया। इसके बाद बंदर को फ्रूटी देकर चश्मा वापस मिला, जिसे देखकर डीएम हैरान हो गए। वहीं यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।